जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नाग पंचमी और सावन सोमवार का महासंयोग आपको महाधनवान बना सकता है, क्योंकि हजारों सालों में एक बार ऐसा शुभ संयोग देखने को मिलता है। और ऐसा कहना है हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। दोस्तों, सावन के महीने की महिमा तो हम सभी जानते हैं, और सावन के सोमवार वाला दिन महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। कहा जाता है कि जो भी सावन के सोमवार वाले दिन महादेव की पूजा आराधना कर लेता है, उनका अभिषेक कर लेता है, ऐसे लोगों की जिंदगी की सारी परेशानियां महादेव खत्म कर देते हैं। ऐसे में यदि नाग पंचमी का शुभ संयोग भी सोमवार वाले दिन आ जाता है, तो आपको महादेव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, नाग पंचमी वाले दिन ऐसे कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिनसे हम महाधनवान बन सकते हैं? तो ऐसे में हमारे गुरु जी ने अपने भक्तों को एक आसान सा उपाय बताया है, जिसे आपको 21 अगस्त वाले दिन करना है, यानी कि सोमवार के दिन करना है। अगर आप भी इस उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ अंत तक। और बागेश्वर बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि ऐसे तो सावन का महीना महादेव को प्रिय महीना होता है, और महादेव के भक्तों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं होता। साथ ही सावन के महीने में नाग पंचमी का विशेष त्योहार भी आता है, और महादेव को नाग देवता बहुत ही प्रिय होते हैं। उनके गले में भी वासुकी नाथ विशेष शोभा पाते हैं। इसलिए नाग पंचमी वाले दिन जो लोग महादेव की पूजा आराधना करते हैं, महादेव की विशेष कृपा और नाग देवता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। ऐसे में हमारे गुरु जी का कहना है कि इस बार सावन के महीने में सोमवार वाले दिन नाग पंचमी आने से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ चुका है, और यह शुभ संयोग 130 सालों के बाद बन रहा है। गुरु जी कहते हैं कि इस बार सावन में अधिक मास आने की वजह से सावन में 8 सोमवार मनाए गए हैं, और सावन का सातवां सोमवार 21 अगस्त 2023 को है, और इसी दिन नाग पंचमी का शुभ त्योहार भी है, और यह त्योहार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, और इस त्योहार वाले दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि हिंदू धर्म में नाग देवता को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि एक तरफ नारायण क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विराजमान है, और दूसरी तरफ महादेव की गले की शोभा भी वासुकी नाथ है। तो नाग पंचमी के व्रत में 8 नागों को देवता माना जाता है। इनमें अनंत, वासुकी, पज्ञ, महापज्ञ, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्ट नाग शामिल है, और नाग पंचमी वाले दिन इन्हीं 8 नाग देवताओं की पूजा की जाती है। नाग पंचमी पर नाग देवता और महादेव की पूजा के बारे में गुरु जी का कहना है कि आप नाग पंचमी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने घर की साफ सफाई करे, उसके बाद स्नान करे, साफ सुथरे कपड़े पहने। इसी के साथ आप अपने घर में नाग देवता के चित्र को स्थापित करें। चाहे तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों से नाग देवता भी बना सकते हैं। इसी के साथ आप अपने घर में ही दूध, दही, दुर्वा, कुसा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल से नाग देव का पूजन करें। इसके बाद आप उन्हें मीठे का भोग जरूर लगाएं, और उनके रहने की जगह पर दूध और लाई का प्रसाद जरूर रखें। इसी के साथ नाग पंचमी की कथा सुने और नाग देवता से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना जरूर करें। नाग पंचमी के पर्व के दिन आप चाहे तो नागों के साथ कैलाशनाथ शिव की विशेष कृपा की बरसात आपके ऊपर हो सकती है, लेकिन इस दिन उनकी पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान देना जरूरी है, अन्यथा नाग देव आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर आप नाग पंचमी पर नाग देवता की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको ये सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि जब भी आप नाग पंचमी वाले दिन नाग देवता की पूजा करते हैं, तो उससे पहले आप महादेव की पूजा जरूर करें, क्योंकि महादेव नागों के देवता माने जाते हैं,
और कहा जाता है कि नाग पंचमी वाले दिन जो लोग महादेव की पूजा नाग देवता के साथ कर लेते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में घोर संकटों का अंत अपने आप हो जाता है। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि केवल नाग देवता की पूजा स्वतंत्र तरीके से बिल्कुल भी ना करें। आप ऐसा चित्र पूजा करने के लिए ले जिसमें महादेव के गले में नाग देवता विराजमान है और उसी की पूजा करें, क्योंकि नाग पंचमी वाले दिन शिव जी के आभूषण के रूप में नाग देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गुरु जी ने नाग पंचमी वाले दिन दूध का एक ऐसा आसान सा उपाय भी अपने भक्तों को बताया है, जिसे करने के बाद 24 घंटे के भीतर आप अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। तो उपाय के बारे में बताते हुए गुरु जी का कहना है कि नाग पंचमी के दिन सबसे पहले नाग देवता की पूजा करें। पूजा करने के लिए हल्दी, रोली, चावल, फूल आदि का इस्तेमाल करें। नाग देवता की पूजा के लिए भीगे चने का इस्तेमाल होता है, तो अगर आप चाहे तो रात में चने भिगोकर रख दे और सुबह उस चने से आप पूजन करें। या अगर आपने नहीं भिगोया है तो ऐसे ही चने बतासे और कच्चा दूध नाग देवता की मूर्ति पर अर्पित करें। अगर आपके यहाँ नाग देवता का कोई चित्र नहीं है या नाग देवता का कोई मंदिर नहीं है तो आप गाय के गोबर से नाग देवता की तस्वीर बना ले और इसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ होगा और आपके घर में घर के सदस्यों के जीवन में धन आने के नए नए रास्ते बनते हैं। इसी के अलावा गुरु जी ने एक और उपाय बताया जो आप नाग पंचमी वाले दिन कर सकते हैं और इससे आपको महादेव की कृपा की प्राप्ति होगी। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है। लोटे में थोड़ा सा गंगा जल ले और एक कटोरी में दूध ले, कच्चा दूध ले, ध्यान रखे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है, भगवान भोलेनाथ के भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखे। अब आप ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा, क्या है मंत्र, ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में दूध और गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके परिवार वालों को नाग देवता का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही साथ भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप राहु केतु या फिर किसी दोषों से परेशान है तो गुरु जी ने 2 चम्मच दूध का एक आसान उपाय भी बताया है। इसके लिए आप एक रस्सी ले और इसमें आप 7 गांठ लगा ले। आप इस रस्सी को सांप का स्वरूप बनाइए। अगर आपकी रस्सी गांठ लगाने लायक नहीं है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। अब इसके एक तरफ के छोर को काजल या कोयले से काला कर ले। अब इसे किसी पट्टे पर विराजमान कर ले। अब इस पर थोड़ा सा कच्चा दूध, बतासा, शक्कर, फूल और तिलक करे। अब राहु और केतु के मंत्र का जप करे। अब भगवान शिव को स्मरण करते हुए गांठों को खोल दे। अब दूध जो आपने पूजा में चढ़ाया था उसे लेकर इसमें गंगा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कर दे। अब इस रस्सी को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दे। अगर नदी पास में ना हो तो आप मिट्टी को खोद करके उसमें दबा सकते हैं। इससे काल सर्प दोष नष्ट होता है और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को अपनों के साथ जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी की परेशानियां दूर हो सकती है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।